19 मई को गोरखपुर में होने वाले सातवें व अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलें और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, जिसके लिए गोरखपुर न्यूज मतदाताओं को जागरूक करने के साथ नागरिकों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक वोट करने के लिए कार्यक्रम की जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कैंपेन की टीम शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च पहुंची। गोरखपुर न्यूज और स्वीप के इस कार्यक्रम में फादर सहित ईसाई समाज के लोगों ने शपथ लेकर सभी वर्गों के लोगों से अधिक वोट करने की अपील किया। हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय मसीह की, जय मसीह की। हमारा नाम मोहिनी है। हम तो ये करेंगे कि हम सबसे कहेंगे, खुद भी जाएंगे सारा काम एक तरफ करके जल्दी से, और हम सभी बहनों से सभी लोगों से कहेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि अपने अपने घरों से निकलें और इस पावन कार्य में भाग लें, क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्य है हमारा और ये हमारा राइट भी है, इसको भी हमें पूरा निभाना है। ये हमको मिला हुआ अधिकार, तो हम क्यों ना इसको पूरा तरह से लें, और एक अच्छी सरकार के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं ताकि सब लोग आए वोट दें तो एक मजबूत सरकार फिर से बनने पाए। धन्यवाद। सपन लॉरेंस, डॉक्टर एस के लॉरेंस, मैं क्राइस्ट चर्च से गोरखपुर शास्त्री चौक का मेंबर हूं, और अभी हमारे वहां अंदर भी यही प्रार्थनाएं हुई हैं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि आप जो है जा करके अपना मताधिकार का प्रयोग करें, और मेरी भी पर्सनल राय यही है कि आप भी जो है ज़रूर जो है बूथ तक जाएँ और अपना वोट जो है वैल्यूबल वोट जो है लोगों को दें। क्यों? क्योंकि ये देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना वोट देने जाएंगे और विवेक से वोट देंगे तो अच्छे आदमी को चुनेंगे, अन्यथा होगा क्या कि गलत आदमी चुन के आएगा जिससे जो है वो देश का विकास रुकेगा। धन्यवाद। अमर जॉय सिंह, वोटिंग के लिए वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए हमें वोट देना चाहिए, और सबसे अपील करनी चाहिए कि सब जाके उसको कम से कम 100% की उम्मीद करेंगे कि लोग वोटिंग करें। मेरा नाम विवेक कुमार लॉरेंस है। 19 तारीख को वोटिंग है, और एक जैसे सबको मालूम है हमारे देश का महान पर्व है, और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें सबको जो 18 वर्ष से की उम्र पूरी कर चुके हैं उनको सहयोग देना ही चाहिए और इसको सबसे बड़ा काम समझना चाहिए। मेरा नाम मोना बेंस। 19 तारीख को वोटिंग है, सबसे ये अपील है गोरखपुर वासियों के लिए कि सबको अपना मत का अधिकार है और ज़रूर से ज़रूर अपने घर को छोड़ करके जा करके वोट दें। और मैं क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक गोरखपुर का प्रभारी पुरोहित हूँ। मैंने अपने चर्च के दौरान भी जब अनाउंसमेंट्स का कार्यक्रम होता है, विभिन्न प्रकार के बातों को बताया जाता है, तो उस समय मैंने सबसे सर्वप्रथम अपनी कलीसिया के लोगों को, जितने भी चर्च में लोग उपस्थित थे, सारे लोगों को से मैंने ये निवेदन किया है कि हम एक लोकतांत्रिक देश भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते हम सबों का ये कर्तव्य है कि 19 तारीख को गोरखपुर में लोकसभा के निर्वाचन में सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि हम एक अपनी पसंद की सरकार को, जो इस देश के हित में हो, देशवासियों के हित में हो, जो इस सारे देश में आपसी प्रेम और सौहार्द का वातावरण स्थापित कर सके, उसका चुनाव कर उसे आने वाले समय में स्थापित कर सके। धन्यवाद।